हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैंने काफ़ी दिन बाद व्लॉग स्टार्ट किया है। तो गाइस, टाइम हो रहा है अभी 5:30 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ और मैं नहा भी ही चुकी हूँ। तो अभी घर में पूजा चल रही है और खाने की तैयारी भी चल रही है, क्योंकि आज है कंचन तो हम 9 देवियों को खाना खिलाएंगे, मतलब 9 कन्याओं को। तो अभी बस तैयारी चल रही है उसी की। आज वैसे सभी ही खिलाएंगे, कोई कोई आधे भी खा देता है, कोई कोई नए भी खा देता है, तो सब खिलाएंगे अभी। तो फिलहाल मैं पूजा चल रही है। आज मेरा मंडे का फास्ट है। अब मैं आपको दिखाती हूँ घर में क्या चला है। अभी तो पूरा फैला हुआ है थोड़ा बहुत। 5:30 बजे अभी भैया भी नहीं उठे, ना पापा उठे, मैं और मम्मी उठे हैं और हम नहा भी लिए हैं। मम्मी की पूजा होगी, बस मेरी मंदिर पर जाना है, मेरे को भोलेनाथ की पूजा करके आनी है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि फिर मैं क्या चल रहा है। मंदिर की पूजा हो चुकी है। तो गाइस, मंदिर पे पूजा हो चुकी है और बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर हमारा पूजा हो चुकी है, ये देखो। तो बस घर में अब काम कर रहे हैं। किचन दिखाती हूँ, किचन में क्या चल रहा है अभी फिलहाल में। सही है भाई, इसमें हलवा बनेगा। अभी मम्मी कर रही हैं, अभी तो फिलहाल में दिए वगैरह का काम कर रही हैं। गाइस, आप ये व्लॉग एंड तक देखना, आपको सच में बहुत मज़ा आएगा इस व्लॉग में। और आज मैं कहीं बाहर जाने वाली हूँ 2-3 दिन के लिए, और वहीं मैं 2-3 दिन आराम से घूमूंगी और आपके लिए तो व्लॉग्स आएंगे, स्टोरीज लगेंगी, तो आप पता ही लगा लोगे कि मैं कहाँ गई हूँ। तो शाम के टाइम निकलेंगे, मतलब हाँ करना को खाना खिला के उसके बाद निकलेंगे। अभी तो तैयार चल रही है, अभी हम यहाँ पे करना खिला देते हैं, फिर उसके बाद वहाँ जाएंगे। अभी तो मैं मंदिर पर जा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ मंदिर पर जाते हुए। मैं और मम्मी जा रहे हैं पूजा करने के लिए। बाहर अभी तक कोई नहीं घूम रहा है, बस एक दो अंकल घूम रहे हैं। और मैं फूल तोड़ने के लिए जा रही हूँ। अब मैंने ले लिया है पूजा का सामान फूल तोड़ने के बाद। कॉलोनी में सच में कोई नहीं है, 6 बजने के लिए आ गए हैं। बस कोई कोई घूम रहा है, वैसे तो पापा भी घूमते हैं, बट अब पापा थोड़ा लेट उठने लगे हैं तो इसलिए ना घूम पाते। भी तोड़ेंगे, चलो अभी देखो कोई कोई घूम रहा है। सामने आपको दिख रहे होंगे, देखो मम्मी ने पूजा कर ली है भोलेनाथ जी की, और मैं भी कर रही हूँ अभी। मंदिर में बस तो आदमी है और कोई नहीं है। चलो गाइस, देखो सूजी का हलवा बन गया है। इस खाना पीना सब तैयार हो चुका है, घर में सब जग गए हैं, पूजा भी हो गई। मैं दिखाती हूँ क्या क्या बना है अभी फिलहाल में। सूजी का हलवा इसमें रख दिया है ठंडा होने के लिए। ये रही आलू की सब्जी, और यहाँ पे अभी भोग के लिए तो गाइज मैं आ चुकी हूँ, जा रही हूँ फिलहाल मैं दादी की घर पर। मम्मी जा गई, चले गई हैं, कन्हा ने खाना खा लिया है। तो देखो टाइम कितना हो गया है, 10:30 हो गए हैं, उससे ऊपर भी हो गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ दादू के घर पे, दादू घर जा रही हूँ। पूरी कॉलोनी में बच्चे कम घूम रहे हैं, सुबह से घूम रहे हैं। देखो ये रहा दादू का घर, आपने देखा तो होगा और वीडियोज़ में मेरे में। अभी अंदर चल रहे हैं। ये है मेरे दादू का घर, पूरा दादू उधर बाहर से आए थे। और ये रही दादी, अभी काम कर रही है किचन में। दादी हेलो कर दो सबको, को हेलो कर दो, मेरे फ्रेंड से ही यूट्यूब वाले। हेलो हेलो। और ये दादी का रूम है इधर, और ये अंकल जी का रूम है। अभी मम्मी ने सब कुछ बना दिया, दादी की हेल्प करी है। खाने में सब बन गया है, बस अब बच्चों का वेट कर रही है। दादू आप भी हेलो कर दो सबों को। जय हो माता रानी। पहुंच चुके हैं बल्लमगढ़ मेट्रो स्टेशन पे। गाइस मैं आपको बता नहीं पाई थी कि मैं आई
हूँ अपनी दीदी के पास, जो पहले मेरे ब्लॉग बने थे वहीं आई हूँ मैं दिल्ली। अभी तो मैं मेट्रो स्टेशन पर टिकट ले आए हैं भैया, उसके बाद जाएंगे हम दीदी के पास। तो गाइस मैं दिल्ली आ चुकी थी और मेरे पास बैठी हैं बड़ी मम्मी। तो अभी हम सब जा रहे हैं द्वारका मॉल, द्वारका सेक्टर 13 का मेला देखने। मैं आपको बैकअप लगा के दिखाती हूँ, मेट्रो में अभी आके बैठी है जस्ट। देखो बहुत बड़ी हुई है, फिर भी ये खड़े, इन चारों के लिए सीट नहीं मिली। एक ग्रुप तो ये खड़ा बॉयजों का और आधे उधर बैठे हैं। ये रे सचिन भैया, विशाल भैया और यहाँ पे और सब भैया भी। गाइस हमने सीट चेंज कर ली, तुम सो पे आ गए दीदी के पास। तो गाइस ये रहा द्वारका सेक्टर 13 का मेला, बहुत तगड़ा लगा है। अपने गांव के मेले छोड़ के यहाँ देखने आए हम दिल्ली का मेला। अब किस बार देखते हैं आप, अच्छा पूरा ब्लॉग देखना अच्छे से। अभी हम अंदर जा रहे हैं मेले के। इधर रामलीला भी हो रही है साथ ही साथ, देखो कितनी भीड़ है। देखो इधर लकड़ी का सामान है, मैं कैमरा करके दिखा रही हूँ, थोड़ा बहुत क्लियर आ रहा है, बहुत अच्छा है इसमें वॉश वगैरह सब कुछ। एक लंबे वाला भैया, ये कितने के हैं? गाइस हम पाव भाजी खा रहे हैं, भूख लग गया है घूमते घूमते। गाइस भैया देखो कितने सारे प्लेट ले आए हैं खाने के, खुद ही खाएंगे, इतने सारे लेके आए, इतने सारे दिखाओ प्लेट में इतना ही बने। गाइस मेट्रो का वेट कर रहे हैं नीचे बैठ के धरती में, अभी चारों खड़े हैं मेट्रो का वेट कर रहे हैं, बिल्कुल नीचे बैठे हैं, आलती मार के पैरों में दर्द हो गया है। एक मेट्रो आगे पर उधर हमारी मेट्रो आ गई है, इन्होंने वेट करवाया मेट्रो का। देखो आगे चलो, खाली तो नहीं है हल्की हल्की।